नमस्कार, मैं जमुना प्रसाद तिवारी आपको आज कंटा डस्टबिन कैसे तैयार करें इस पर से मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम एक कंटा लेते हैं, सामान्य सा कंटर है, घरों में पड़ा रहता है, किसी के यहाँ भी आपको मिल जाए या फिर आप मार्केट से ले सकते हैं। और इस कंटर को सबसे पहले इसके ऊपर का ये पोर्शन होता है, इसको हम चाकू और हथौड़ी के माध्यम से काट लेते हैं। और काटने इसको हम काटेंगे, चाकू से आप देख रहे होंगे बहुत आसानी से कट जाता है, बहुत आसानी से कट जाता है। इस तरह से आप पूरे कनिस्टर को काट लेंगे और इसका ढक्कन अलग कर लेंगे। अब आपने जो कनिस्टर काट लिया है, आप देख रहे होंगे इसके किनारे जो हैं थोड़ा सा ये तीखे हो जाते हैं। इन किनारों को हमको ये हथौड़ी की सहायता से नीचे एक लकड़ी रख के हमको प्लेन कर देना है, ताकि पकड़ने में कहीं पर भी हाथ मोह न लगे। तो दूसरा स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये दूसरा स्टेप है। अब आपका जो अगला है ये आप देखिए, इसका हमने प्लेन कर दिया, इसमें किसी प्रकार की कटने की कोई संभावना नहीं है, बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब हम क्या करेंगे, कंटर को उलटेंगे, उलटने के बाद हम एक कील लेंगे और इस कील से कनिस्टर में हम इस तरह से छेद कर देंगे। इस तरह से आप दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये आठ, इस तरह से आप कनिस्टर के नीचे छेद कर देंगे। ये जो आपने छेद कर दिए हैं, इन छेदों से हमें दो फायदे हैं। नंबर एक तो ये है कि हम इसको किसी भी प्रकार से पानी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो अब पानी का बर्तन ये नहीं बन सकता है, डस्टबिन ही रहेगी। दूसरा इसका प्रयोग ये है कि जब हम ये छेद कर देंगे तो जब कभी बारिश में डस्टबिन बाहर रह जाएगी तो पानी इसमें अटकेगा नहीं, सीधे पानी निकल जाए। तो इस प्रकार से अगला स्टेप था जिसमें हमने ये कंटर की पैदी में छेद कर दी। इस कनिस्टर में आप इस तरह से ये आप प्राइमर लगा देंगे, ताकि हमारा पेंट भी कम लगेगा और बहुत अच्छा पेंट भी इसमें बाद में हमको लगेगा। अगर आपको अजैविक के लिए बनाना है तो आप नीला इसमें पेंट लगा दीजिए, इसके बाद इसको सूखने के लिए रख देंगे। वार्निश लगाने के बाद हम इसको धूप में या छाया में सूखने के लिए रख देंगे, एक दो घंटे बाद ही इसमें पेंट लगाएंगे, ताकि प्राइमर अच्छी ढंग से बढ़िया करके सूख जाए तो इसमें पेंट बहुत अच्छा बैठता है, बहुत सुंदर हमारा डस्टबिन फिर ये तैयार होने वाला है। अब आप देखिए, इसके बाद आप अपनी डस्टबिन के अंदर वाइट कलर दे सकते हैं इस तरह से, जिससे इसमें जंग नहीं लगेगा, किसी प्रकार का जंग नहीं लगेगा, काफ़ी इसकी एज बढ़ जाएगी। ये आप पेंट इसके अंदर में पूरा दे सकते हैं। अब अगला स्टेप हम इसमें कलर करते हैं ग्रीन। अगर आपको जैविक के लिए बनाना है तो आप ग्रीन कलर कर दीजिए, और अगर आपको अजैविक के लिए बनाना है तो आप इसमें नीला कलर कर दीजिए, और शानदार आपकी डस्टबिन किसी समय बाद ही अंतिम चरण है। इसके बाद आप चाहें तो स्वच्छ भारत अभियान आदि इसमें लिख लें और इसको सुंदर बना लें, सजा लें और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दें।